प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात। हे राजन, न केवलं मे भवतश्चराजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजं गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। प्रहलाद जी की बात को समझने की चेष्टा करना। न केवलम में, जिस बल की तुम बात कर रहे हो वो बल केवल मेरे अंदर ही नहीं है। भवतश्च राजन, वही बल तुम्हारे अंदर भी काम कर रहा है। बल एक ही का है, मेरे अंदर भी और तुम्हारे अंदर भी। और परे वरेमी स्थिर जंगमा, ये परे साम च, और जो दूसरों में भी जो बल काम कर रहा है, स्थिर जंगम यानी स्थिर रहने वाले और चलने फिरने वाले, इनमें भी जो बल है उसी का है, जिसमें कि जिसका बल मेरे में है और आप में है। तुम्हारे अंदर जो बल है वो कहीं अलग से नहीं आया, मेरे अंदर जो बल है वो अलग से नहीं आया, इन सब में उस एक का ही बल है। बस अंतर इतना है, तुम उसे बुरे काम में लगा रहे हो और मैं उसके बल को उसी की भक्ति में लगा रहा हूं। परिवर्तन इतना है, फर्क इतना है, अंतर इतना है। मेरा स्वभाव है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और तेरा स्वभाव है कि जिस हड़िया में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, उसी के बल को पाकर के उसी से बैर। ऐसा आज भी न जाने कितने हिरण्यकश्यपु करते हैं, अपने बाप के बल को पाकर के ही अपने बाप की बदनामी करते हैं दुनिया में। बाप ने नाम कमाया चारों तरफ, इसलिए उसके लड़के से कोई कुछ कहता नहीं है उसके बाप की वजह से, और वो क्या समझता है मेरा बल है। वो औलादें हिरण्यकश्यपु ही हैं, वो समझती नहीं है कि तेरे बाप का बल है ये। यदि बाप अपना साया तेरे ऊपर से हटा ले तो एक मिनट लगेगी, एक मिनट लगेगी। कुछ लोग तेरे बाप की शर्म कर जाते हैं इसलिए तुझसे कुछ कहते नहीं है, कुछ लोग तेरे बाप के डर की वजह से कुछ कहते नहीं है, और बाप के बल से वो दुनिया में भी अपना जीवन जी रहा है और दूसरों का अपमान कर रहा है। और कभी कभी तो बाप के बल से वो व्यक्ति बाप का भी अपमान करता है। ये भूल जाता है कि आज मैं जितना भी बड़ा हूं वो पिता की ही देन हूं, बाप की ही देन हूं, ये भूल जाता है और उसी बल से अपने बाप का अपमान करता है। प्रहलाद जी ने कहा उन्हीं में से तुम हो, ये तपस्या से तुमने जो शक्ति पाई है उस शक्तिमान की ही है जिससे तुम बैर ठान बैठे हो, जिससे तुम अपना दुश्मन मानते हो।
न केवलम मे भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम। इन जितने बलवान दुनिया में दिखाई देते हैं, बलिनाम सबई बलम उसी का बल है। यह बात ज्यों के त्यों हनुमान जी ने भी रामायण में रावण से कही थी। रावण ने जब पूछा कि तूने किसके बल से मेरा बाग उजाड़ दिया, किसके बल से तूने मेरे पुत्र अक्षय को मारा, किसके बल से तू मेरे सामने निर्भीक खड़ा है, तो हनुमान जी ने कहा, अरे 20 आंख के अंधे, 20 आंख के अंधे जाके बल लव ले सते, जिसके एक अंश मात्र बल से तूने, तेरे अंदर भी उसी का बल है, तूने जितेउ चराचर झार, तूने जितनी जीते हैं ना ये देश और राज्य और राजा, उसी के बल से जीते हैं, उसी का दूत हूं मैं, उसी का बल पा करके उसी के घर में चोरी करने पहुंचाता तू, और उनकी नारी को हरण करके ले आया, उन्हीं का बल है तेरे अंदर भी और मेरे अंदर भी, बस फर्क इतना है कि मैं उन्हीं के बल से उन्हीं की सेवा कर रहा हूं और तू उन्हीं के बल से उन्हीं के साथ अत्याचार कर रहा है, ये अंतर है मेरे में और तेरे में। हनुमान जी ने एक बात कही थी रावण से, बोले मैंने इस कुल खानदान का बड़ा यश सुना था, उत्तम कर पुलस्त, पुलस्त का बड़ा नाम सुना था, ऋषि विश्रवा का बड़ा नाम सुना था, मैं ये देखने आया हूं ऐसे पवित्र खानदान को, ऐसे पवित्र नाम को कीचड़ में मिलाने वाला कौन सा मूर्ख पैदा हो गया, मैं वो देखने आया था। बाकी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे इसमें बंधन में आ गया हूं, मुझे दुनिया की कोई भी ताकत बांध नहीं सकती। ये जो तुम्हारे मेघनाथ ने एक ये मुझे लपेट लिया है ना, ये मैं स्वेच्छा से आया हूं जिससे मैं तेरे को देख सकूं, बाकी मुझे दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती। मुझे वीर नहीं कहते लोग, मुझे लोग महावीर कहते हैं। रावण को गुस्सा आया और आग लगा दी पूंछ में, लेकिन जला कौन, और उसको तुरंत तोड़ दिया बंधन को और कहा, देख मैं जा रहा हूं, अब तू बांध सके या तेरी लंका में कोई मुझे बांध सके, अब मुझे बांध के दिखा दे। और टुकुर टुकुर देखता रहा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, फल ऐसा साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा।
प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम वे भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशाम परे बरेमी स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीतः। राजन, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, जिस ब्रह्मा से तुमने वरदान पाया है, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, जिस ब्रह्मा जी से तुमने वरदान पाया है, वो ब्रह्मा भी जो ताकत लिए बैठा है वो उन्हीं की है। तुम जिस वरदान पे गर्व कर रहे हो ना, वो वरदान देने वाला और तुम्हारा वरदान, इन सब में जो ताकत है, ब्रह्मा दयो ये न वशम प्रणीता, ये सब उसके वश में रहते हैं। और तुम जिन पे गर्व कर रहे हो, मैं उसी का भजन करता हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, वो कहां रहता है? बोले, वो कहां नहीं रहता है। तुम कह रहे हो कहां रहता है, मैं कह रहा हूं कहां नहीं रहता है। अच्छा, सब जगह है वो? बोले, सब जगह है। बोले, इस खम्मे में भी है क्या? इस खम्मे में भी तेरा वो भगवान है क्या? प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, इस खम्मे में भी वो है नहीं, ये खम्मा उसके अंदर है। खम्मे में वो नहीं है, ये खम्मा उसमें है, क्योंकि वो तो सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है और उसमें सब व्याप्त है। इस खम्मे में तो वो तब देखा जाए जब बाहर न हो, कि भीतर है, बाहर तो है ही नहीं, भीतर है कि नहीं? बोले, नहीं, वो बाहर भीतर दोनों जगह है, इसलिए खम्मा उसके अंदर है। बात समझ में आ रही है? खम्मा उसके अंदर है। उसने कहा, तेरे को दिख रहा है? बोले, तभी तो कह रहा हूं, नहीं दिख रहा होता तो मैं कहता ही नहीं, तभी तो कह रहा हूं। मैं चेक करूं? बोले, बिल्कुल करो। हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और उस खम्मे में,